पापा हो तुम्हारी तो बहुत आवाज बना रहे हैं। आओ साथ में, आपने भी और आपने भी सभी ने मिलके गाना है, कहना है माँ ओ मैया तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। और यहाँ एनसी गुरु चाय लाते हुए में। और दोस्तों ये देखो कद्दू की तरह लगी है तुरई, और यहाँ पर भी लगी है देखो। अयोध्या में एक विशाल मंदिर का निर्माण हुआ, किसका हुआ है? राम मंदिर का निर्माण हुआ, और ये हमारा सौभाग्य है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कितनी तपस्या झेली और सैकड़ों साल लगे उस मंदिर को बनाने में। आए हैं देवी मंदिर में जागरण में, और अभी हम जा रहे हैं रामलीला, और हम आपको दर्शन दिखाते हैं लाइव। और कोई नहीं, ये बिंदु थापा जी से मिलिए आप, और ये हमारे गांव में हमारे भाई। अब हम जा रहे हैं रामलीला में, और अभी हम मिलते हैं रामलीला में आपसे और दिखाते हैं रामलीला का मंच। हम आए थे रामलीला में एनसी और नब्बू भाई, मतलब मंगला जी और नब्बू भाई की काफी मीटिंग चल रही है, और मैं खा रहा हूँ मोमो, काफी बहुत बिगड़। और ये मोमो का साइज देखो बड़ा छोटा है, काफी कंजूसी करी है दुकानदार ने बनाने की, टेस्ट भी खास नहीं है पर खाना पड़ रहा है। और दोस्तों अभी हम आ चुके हैं रामलीला में, हेलो, और अभी हम आए हैं ब्लॉग में तो सागर भाई की दुकान में। जय श्री राम, जय श्री राम मित्रों। और अभी सागर भाई ने लूट मचा रखी है। जब हम अभी मंदिर गए थे तो मंदिर में एक अलग वाइब थी, यहाँ उतनी खास नहीं है क्योंकि रामलीला में आज कोई है नहीं, दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है। वहाँ बैठे हैं यार, यहाँ आगे कहाँ दिखा रहा है, मैं पीछे बैठे हैं, जाओ ना यार। ओह माय गॉड, बना रखी है बेटा को तो इधर मेन तो बेटा, यहाँ तो देखो काफी ये गोल है, हमारे बाउंसर। दोस्तों अभी हम खा रहे मैगी, मैगी कम शायद ये है चौमिन। अरे यार तू खा ले यार पहले। मंगला जी कुछ कह रहे हैं, मंगला जी कह रहे हैं मैं भी खाऊंगा। अरे मैं कह रहा हूँ एनजी भाई, एनजी भाई को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है। यहाँ पे पहाड़ी में बोलो सागर भाई ज्यादा कह रहे हैं, हमसे कह रहे दुकान से बाहर जाओ तब खाओगे। कृपया इस दुकान में आने से पहले कुर्सी लाए अपने के लिए, उल्टा उल्टा कुर्सी की व्यवस्था खुद लाए। और धनुष तोड़ दिया है, परशुराम जी आ चुके हैं, लोग वहीं देख रहे हैं, एलईडी में बढ़िया दिख रहा है। और दोस्तों हम आए अपने गांव की दुकान में, पहले आप ये पढ़िए, पहले ये पढ़ लीजिए। और आप ये देखिए लालू भाई बना रहे हैं पान। लालू भाई आपने इसमें क्या क्या डाल चुके हैं? इसमें मैंने डाल दिया है कत्था, चूना और खुशबू, और अपना और ये वाले आ गए हैं पीछे से। ये और देखो भाई ये गांव में किसी को भी चैन से कमाने नहीं दे रहे हैं, 10 रुपए कमा रहे तो 8 रुपए जीएसटी काट दे रहे हैं ये। वो असली मालिक वही है। अच्छा हाँ। मालिक मालिक इतना खर्चा हो गया। और बस लालू भाई ने देखो आप आ सकते हैं इनकी दुकान में, काफी चीजें रखी हैं हेल्पर के रूप में, कैशियर देखिए अंधी कमाई है, बच्चे आ रहे हैं काफी चीज खरीदने, बेरोजगार हो गए कि आपको पान बेचना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है, चूना लगाना पड़ रहा है लोग। ये बेरोजगारी है, ये कोई वो नहीं है, काफी तगड़े तरीके से पान लगाया जा रहा है।
और ये एक एकदम से रवि मंगला जी के मुंह में डाले जाएगा। आ करो फायर पान छोड़ना है भाई यार, आराम से ले। और ये 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 अब मंगला जी से लेंगे। आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? बढ़िया है। मुस्कान देखिए, जैसे अभी लिया हो मुंह में पान और काफी अच्छी मुस्कान मुंह पे यार। पान नहीं खाता मैं यार। तुम्हारे बिंदु कत्ता के सबसे लोहे के व्यापारी सबसे बड़े व्यापारी है, इनके लिए बन रहा है पान। और लालू भाई शुरू से बताओ क्या क्या बना रहे हो। ये आया पान का पत्ता, ये पत्ता कहाँ से आया है? ये आया है आपका इलाहाबाद से आया है, ओरिजिनल बनारसी पान है। अभी आप देखेंगे इसकी कटिंग हो गई है, शुद्ध साफ एकदम पत्ते हैं इसके। और अभी हम उसको लगाएंगे हल्का सा चूना, जो बिक्की भाई सबको लगाते हैं, आज लालू भाई लगा रहे हैं। और ये चुपोड़ के लगाया जाएगा, लेकिन ऐसा लगाना कि बैंगर दांत से लेकर जबड़ा तक हिल जाएगा वहाँ। क्या क्या डाल लो अभी, क्या है? ये है नारियल का बुरादा, गुड। और ये है गरम इलायची, ये है लौंग, और ये है गीली सुपारी। छाटनी पड़ ली यार, ये गीली सुपारी। और आपका आ गया इसमें गुलकंद, गुलकंद खा के लाल गाल लाल हो जाते हैं। ये आए हैं ओरिजिनल गुलकंद, गुलकंद थोड़ा बढ़ा के डाले हैं, निकल नहीं रहे तो इसमें बिल्कुल भी कंजूसी ना करी जाए। तभी लाली आएगी विक्की भैया के गालों में। ये लखनऊ का गुलकंद है, इसको खा के आपके कोई शिकायत नहीं मिलेगी। इसको खा के क्या आप पिचकारी मारोगे? नहीं नहीं, इसको सीधा निकल लिया जाएगा। ये ओरिजिनल शहद है, शहद ये देखिए, ओरिजिनल शहद की धारी देखिए। किसका है? मधुमक्खियों का। हाँ, मधुमक्खी का ओरिजिनल एकदम। घर का? क्यों घर का? बिल्कुल आपको होम मेड मिलेगा भाई। ये सुपारी, ये आगे मीठी सुपारी, जिससे फ्लेवर बढ़ता है आपका। अब हम जाएंगे इसमें कश्मीरी खुशबू, ओरिजिनल कश्मीरी खुशबू, कश्मीरी। ये देखो कश्मीरी सुगंध है, ये पड़ेगा आपको। केसर, केसर सर इस समय केसर हमारा नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसके लिए करते हैं। ऐसा पड़ेगा ये आपका मुलेठी, या मुलेठी, मुलेठी मुलेठी गले के लिए होती है मुलेठी। ये बनाने वालों से ज़्यादा खाने वालों को पता है कृपया। और ये बना चुके हैं, ये बन गया आपका पान। और ये और ये कैसा लग रहा है? अभी खाया नहीं है, खाली भी आवल। ये के पान है, जितने पैसे दिए उस लाइक। ये लालू भाई का पान है, जिसको खा करके दो मिनट आदमी बोल नहीं सकता, क्योंकि मुंह में जगह नहीं रहती ना। देखो लालू भाई की तारीफ हो चुकी है, और आने से दुकान में आने से पहले आप ये पढ़ चुके पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या विक्की भैया पैसे देते हैं नहीं देते हैं। और देखो लालू भाई की बॉन्डिंग हो गई खत्म। और बच्चों क्या खाने आए हो तुम जाते हुए? और अभी हम आए हैं रामलीला पे, और लोग जा रहे हैं तो हम भी जाते हैं और मिलते हैं देवी मंदिर में। वहाँ काफी अच्छे अच्छे भजन गा रहे हैं, और रामलीला का अब समापन हो रहा है। काफी अच्छी झांकी निकलते हुए। और हमारे बीच आ चुके हैं खुशी जोशी जी, बहुत पॉपुलर गायक कलाकार हेमल। भगवान से पूछ रहे कैसा लग रहा है। तो है तेरे पास कान है? कान है बिना कान वाले लोग देखो, इनके पास कान नहीं है। और आ चुके हैं खुशी जोशी जी हमारे सामने, काफ़ी सुंदर सुंदर भजन गा रही हैं, और मन मोह लिया है हमारे बड़े भाई लोगों का। ये देखिए कैसे देख रहे हैं, ये देखिए बचपन की क्रश कह रहे हैं।
Thank you.